गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप स्टूडेंट्स यू आर वेल एट होम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है सिविक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, और इस चैप्टर के अंदर हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। कि जो एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री है इंडिया, उस कंट्री के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन होते हैं, और इसका जो सर्वे या फिर हम कहेंगे कि ये जो इलेक्शन जो करवाती है वो इलेक्शन कमीशन के पास जो है उसकी पावर होती है, और ये एक फ्री जो इंस्टीट्यूशन है जो किसी के अंडर नहीं है, और इसका जो इलेक्शन जो कमिश्नर है उसको अपॉइंट जो है वो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो करता है हर 6 ईयर्स के लिए। तो आज हम करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका क्या फंक्शन है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, वो किस टाइप से जो है वो इलेक्शन को करवाती है। द इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इट आल्सो डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट। तो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो कंट्री के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाए, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे वो हो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के। वह जो है डायरेक्ट वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रखती है, और उसका सुपरवाइज जो है वो करती है जब भी इलेक्शन होते हैं। सेकंड कहता है इट रिवाइज एंड अपडेट द वोटर लिस्ट। उसका काम क्या है कि वो जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करती है, उसको जो है रिवाइज जो है वो करती है, ताकि वो देखती है कि जो नए वोट कितने बने हैं और पुराने वोटों के अंदर कितने जो है ना वोटर जो है अब मतलब डेथ हो चुकी है, उनका जो वोटर लिस्ट से जो है वो नाम कट कर देती है और नए जो है वो उसमें ऐड कर देती है। यानी कि हम कहेंगे कि जो वोटर लिस्ट है उसको वो अपडेट रखती है। इट गिव्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वो कहते हैं कि जो ना वो पॉलिटिकल जो पार्टीज है उसको रिकॉग्नाइज भी करती है, उनको बनाती भी है। द अलकोस सिंबल्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाउ कंडक्ट द इलेक्शन। ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जो सिंबल देती है, इनको कोई निशान देती है उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और साथ में जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उनको भी जो है इलेक्शन के अंदर जो है जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको भी जो सिंबल देती है। ये सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ बीजेपी की जो पार्टी है सेंट्रल पार्टी हमारी, उसके जो सिंबल है वो कमल का फूल है, तो कांग्रेस का जो सिंबल है वो हाथ है। अगर हम बात करते हैं स्टेट पार्टीज़ की, तो इंडियन नेशनल लोकदल का जो सिंबल है वो चश्मा है, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है वो हाथी है। तो ऐसे सिंबल जो है ना वो जो मिलते हैं वो इलेक्शन कमीशन जो है उनको प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट सो दैट द इलेक्शन आर फ्री एंड फेयर। स्टूडेंट्स, ये कहते हैं कि जो ना वो क्या करते हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट जो ना वो यहाँ लागू करती है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो यहाँ पर लड़ते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि वो जो है एक ऐसा कानून बनाती है जिसके अकॉर्डिंग जो सभी पार्टीज और कैंडिडेट को जो है उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट को जो है कोई भी उनके जो रूल्स होते हैं उनको ब्रोक या उनको जो है तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्शन जो हमारे होते हैं इंडिया के अंदर उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो स्टेप बाई स्टेप जो है वो कैसे जो वो इलेक्शन होते हैं। जो आज का जो टॉपिक हमारा वो है इलेक्शन प्रोड्यूर, कि कैसे जो है इलेक्शन जो होते हैं कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे जो है वो हम नॉमिनेशन करते हैं, कैसे जो है अपने हम पॉलिटिकल पार्टी जो अपने विचार रखते हैं सामने, कैसे वोट पड़ते हैं, कैसे पोलिंग होती है, कैसे उसका रिजल्ट निकालते हैं, ये सब बातें जो हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। ए न्यू लोकसभा और ए न्यू असेंबली सेल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एग्जेक्टिंग हाउस और ऑन
this collection. For the say, notifications shall be issued by the president or the governor, as the case may be, as soon as the notification is issued, the election produce starts. Students, यहाँ पर क्या कहता है कि जो लोकसभा के जो नई असेंबली जब आनी होती है, जो पुराने वाली जो एक्सपायरी हो जाती है कि जो उनके जो टाइम जो दिया जाता है 5 साल का, वो जब 5 साल जो पूरे हो जाते हैं, तो उससे पहले क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक नोटिफिकेशन जो है वो निकालता है, और उस नोटिफिकेशन के अंदर जो है न्यू इलेक्शन के बारे में जो शेड्यूल दिया होता है कि जो है ना ये जो पुरानी जो गवर्नमेंट है इसका जो है टाइम जो पूरा हो चुका है, अब नेक्स्ट के लिए जो है वो हमें तैयारी करनी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि नोटिफिकेशंस ऑफ इलेक्शन डेट द डेट्स फॉर इलेक्शन टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस इन ए स्टेट आर अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। कहता है कि जो इलेक्शन डेट होती है वो इलेक्शन कमीशन जो है ना ये डिक्लेयर करता है कि कौन कौन स्टेट के अंदर जो है कब कब जो है इलेक्शन होने जा रही है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड फिलिंग ऑफ नॉमिनेशंस पेपर्स। ये क्या कहता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है नाम जो है वो नॉमिनेशन किया जाता है किसके द्वारा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा। इलेक्शन कमीशन अनाउंस द लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इमिडिएटली स्टार्ट सिलेक्शन देयर कैंडिडेट्स फॉर कॉन्स्टेक्टिंग द इलेक्शन। द पार्टी कैंडिडेट्स आर इंडिपेंडेंट्स फिल देयर नॉमिनेशन पेपर्स। बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जब जैसे ही इलेक्शन कमीशन क्या करती है, लास्ट डेट जो अनाउंस करती है कि जो है नॉमिनेशन फिल करने के लिए जो लास्ट डेट जो है ना ये है, तो तब क्या होता है कि जो डिफरेंट जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या काम करती है कि अपने कैंडिडेट को जो ना वो चूज़ करती है कि भी किस एरिया से कौन सा कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ेगा, और उसके बाद जो है वही पॉलिटिकल पार्टी जो है ना उसका जो है ना नॉमिनेशन जो पेपर है वो फिल करवाती है। अगर जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो भी जो है ना साथ के साथ नॉमिनेशन जो है अपने पूरा करता है। नेक्स्ट है हमारा सर्टेनिंग द रिटर्निंग ऑफिसर क्रिटिसाइज द नॉमिनेशन पेपर। ही मे रिजेक्ट एनी नॉमिनेशन इफ द कैंडिडेट इज नॉट क्वालिफाइड फॉर बींग चूजन टू फिल द सीट। स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जो ऑफिसर होते हैं अपने इलेक्शन कमीशन के, वो नॉमिनेशन पेपर को जब वो चेक करते हैं, अगर उनके अंदर जो सीट है और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस सीट के लिए, जो उन्होंने क्रेडिट एरिया रखा है, उस क्रेडिट एरिया को अगर वो फिल नहीं कर पा रहे हैं तो उस पेपर को जो है वो रिजेक्ट भी कर देते हैं। उसके बाद है पब्लिकेशंस ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। द रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिश द लिस्ट ऑफ ए कंटेस्ट कैंडिडेट्स। उसके बाद कहता है कि लास्ट में जो ऑफिसर्स है वो पब्लिश करते हैं उन लिस्ट की जिसके अंदर जो कैंडिडेट जो है उन्होंने नॉमिनेट किया गया है। इलेक्शन ऑफ सिंबल्स यह कहता है कि जो सिंबल्स हैं इलेक्शन कमीशन जो है उनको प्रोवाइड करवाती है। द इलेक्शन कमीशन अलॉटेड सिंबल्स टू ऑल द कंटेस्टिंग कैंडिडेट। ये कहता है कि जो उस इलेक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं कैंडिडेट, उनको जो सिंबल जो है प्रोवाइड इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। बट बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जो रिकॉग्नाइज्ड है और परमानेंट ही जो है उनको सिंबल जो है वो प्रोवाइड करवा देती है अगर वो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है परमानेंट। कुछ पार्टीज ऐसी होती है वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज नहीं होती, तो उनको जो है सिंबल हर इलेक्शन के अंदर जो है हर बार नया सिंबल जो उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्शन मैनिफेस्टो। पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिंग आउट देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो। दिस मैनिफेस्टो स्पेसिफाई द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज विच द पार्टीज विल इम्प्लीमेंट इफ वोटेड टू पावर। इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर कहता है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना,
वो क्या करती है कि जब इलेक्शन आते हैं तो अपना एक मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो को कहेंगे हम, कि अपनी जो ना एक नीतियाँ जो ना वो रखती है, और जब इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले वो अपनी नीतियों के बारे में लोगों को बताएंगे कि जब हम पावर के अंदर आ जाएंगे तो हमारे जो ना ये हमारे काम होंगे और ये हम इन 5 सालों के अंदर करेंगे, ताकि लोगों को जो वो अपनी तरफ जो वो रुझा सके और अपनी तरफ जो ना वो वोट उनको डलवा सके। तो ऐसे जो हर पॉलिटिकल पार्टी जो ना अपने अपने डिफरेंट जो मैनिफेस्टो जो वो लेकर आती है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है जो कहती है उनको वो काम करना पड़ता है। अगर वो काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे तो उससे क्या होगा कि लोग जो है उनको वोट, उसके अंगेंस्ट भी वोट डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो ना कोई वादा करती है कि हम पावर में आ जाएंगे तो हम इतने हम ये काम करेंगे, लेकिन वो काम जो है वो करते नहीं है, तो क्या होगा कि फिर जो है ना जब इलेक्शन होते हैं तो उनको जो है वो उसके अंगेंस्ट भी जो है वोट डाल सकते हैं। तो ये जो ना मैनिफेस्टो जो है वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं इस डेमोक्रेसी के अंदर और इस इलेक्शन के अंदर, ताकि जो पीपल हैं, जो कंट्री जो सिटीजन्स हैं, वो इजीली जो है उनको चूज कर सके, जो जिनका जितना ज़्यादा बेटर जो मैनिफेस्टो होगा उतना ही बेटर जो उनको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इलेक्शन के अंदर जो है ना इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। उसके बाद है इलेक्शन कैंपेन, द कैंडिडेट हाउ बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टीज और हुज कंटेस्टिंग एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स डिस्ट्रीब्यूट पम्पलेट्स लेफ्टलिट्स फ्लैग्स स्टिकर्स एटेक्ट्रा अमंगस्ट द वोटर्स द पोलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज पब्लिक मीटिंग रैलीज आर आल्सो ऑर्गेनाइज टू अट्रैक्ट लार्ज क्राउड नो बॉडीज टेलीविजन्स प्ले एन इफेक्टिव रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ वेरियस पोलिटिकल पार्टीज द कैंपेन स्टॉप 48 आवर्स बिफोर द टाइम वेन पोल एंड्स ऑन द पोलिंग डे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जो इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो की जाती है, इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो पम्पलेट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके अंदर जो उसके मैनिफेस्टो जो है उसमें होते हैं, उसके साथ जो है ना वो फ्लैग्स के अपने जो चुनाव के जो निशान उनके झंडों जो है ना वो बांटते हैं, स्टिकर्स जो है ना वो लगाते हैं ताकि जो वोटर्स को जो वो अपनी तरफ जो अट्रैक्शन कर सके, मीटिंग्स होती है, रैलीज होती है, जी तो आपने देखा भी होगा रैली जब होती है तो कैसे जो है ना कितने लोग जो उसके अंदर जुट जाते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जो लीडर्स हैं या जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन के अंदर जो है इलेक्शन लीडर है वो वोटर्स को जो है अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करता है। इसके लिए जो ना वो टेलीविजन के अंदर भी या न्यूज़पेपर के अंदर भी जो ना उसके प्रोग्राम जो वो चलवाता है। तो ये सब प्रोग्राम जो है ना वो जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर आते हैं ताकि लोगों जो वोटर्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्शन कर सके। और यह जो कैंपेन है वो 48 आवर्स पहले ही जो है ना वो स्टॉप कर दिए जाते हैं, उसके बाद जो है ना पोलिंग डे से पहले जो है ना 48 आवर्स जो है ना वो पहले बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद जो कोई भी रैली या मीटिंग जो है ना वो नहीं की जा सकती। 8 है पोल्स, ऑन द पोलिंग डे द वोटर्स रिकॉर्ड देयर वोट इन सेक्री, द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी विद देम इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड सो दैट देर इज नो इम्प्रेसनेशंस द वॉलेट बॉक्स और द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर सील्ड एंड कैरी टू द कंटेंटिंग स्टेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि पोल्स की इलेक्शन कंपेनिंग हो गए, उसके बाद क्या होगा पोल्स की वोट डाले जाएंगे, उसके बाद तो जब वोट डाले जाते हैं तो क्या किया जाता है कि उस दिन पोलिंग डे के ऊपर जो वोटर्स जो अपना जो वोट डालने का जो रिकॉर्ड है वो अपने साथ लेकर जाएंगे, जिसमें जो है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसको हम पहचान पत्र भी कह देते हैं, वो अपने साथ लेकर जाएगा और अपने जो वोटर लिस्ट के अंदर नाम के अकॉर्डिंग जो है फिर वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके मीडियम से जो है वो अपना वोट को जो है पोल करता है, और उसके बाद जो ईवीएम जो मशीन है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको जो है सील्ड कर जो है उसको
अपने जो काउंटिंग स्टेशन से जो है वो वहाँ पर रखते हैं। काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये कहता है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं, वोट डल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है वोटिंग की जो है काउंटिंग की, जो कितने वोट जो है वो काउंट हुए हैं। ऑन द डेट फिक्स द काउंटिंग ऑफिशियल ऑन इलेक्शन ड्यूटीज काउंट द वोट्स इन द प्रिसिंक्ट्स ऑफ द कैंडिडेट और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। द कैंडिडेट हु गेट द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन काउंटिंग की भी जो डेट जो है वो डिसाइड की जाती है, और जब इलेक्शन डेट इलेक्शन हो जाने के बाद, वोटिंग हो जाने के बाद उन वोटों की जो है ना काउंटिंग की जाती है, और यह इलेक्शन ड्यूटीज जो है ना जो ऑफिसर है उनको जो उस पर लगाया जाता है, और वो कैंडिडेट के जो है वोटिंग को जो है काउंट करते हैं, और जिनके पास सबसे हायर नंबर जी सबसे ज़्यादा जो है वोट जो जिनके लिए आते हैं वही जो है डिक्लेयर्ड इलेक्शन कर दिया जाता है कि जो है ना सबसे जो सबसे ज़्यादा वोट जिसके पास आते हैं वही जो है ना वो चुनाव जीत जाता है। उसके बाद है इलेक्शन पेटेंशंस। इफ़ ए कैंडिडेट फील दैट इलेक्शन हैड नॉट बीन हेल्ड फेयरली सी एंड ही कैन फील ए पेटेंशन इन हाई कोर्ट, फ्रेश इलेक्शंस आर ऑर्डर्ड व्हेन बोथ कैप्चरिंग हैज टेकन प्लेस एट ए पोलिंग स्टेशन और द बोल बॉक्स ऑफ और ईवीएम्स आर डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। कई बार क्या होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन के अंदर बूथ कैप्चरिंग कर जाते हैं, कोई फेक जो इलेक्शन वोटिंग कर जाता है या ईवीएम को जो नुकसान पहुंचा देता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है जो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है वो हाई कोर्ट के अंदर जो है अपने उसमें केस दर्ज कर सकता है और उस एरिया के अंदर जो है फिर से इलेक्शन जो है करवा सकता है, अगर इन केस ये जो सिचुएशन जैसे हमारे ईवीएम को जो है ना डिस्ट्रॉय करते हैं या बूथ कैप्चरिंग जो हो जाए, तो इस सिचुएशन के अंदर जो है वोटिंग फिर से जो है वो वहाँ पर किए जाते हैं, क्योंकि कंट्री के अंदर जो है ना जो इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। दिस डे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज इज मोस्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंटिटीज। द ईवीएम सेव टाइम एंड सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उनको जो काफ़ी अच्छे से जो है ना केयरिंग की जाती है, उनको साथ जो है ना कोई भी ऐसे मिसबिहेव जो है वो नहीं किया जाता, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, और इंडिया के अंदर जो मोस्टली जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़, ये टॉपिक जो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे कि जो कैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बनती है और उनकी क्या पॉलिसीज होती है, उनके क्या प्रोग्राम होते हैं, और एक जब इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है क्या रोल जो है वो होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।